यहाँ पे जनपद के विभिन्न भागों से आए हुए हमारे साहित्यिक बंधुओं, मीडिया के बंधुओं और बदायूं क्लब के साथियों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे यहाँ हमारे देश में इसको मनाया जाता है और ये उसके बाद पखवाड़ा जो चलता है वो हिंदी दिवस पखवाड़े के रूप में इसको मनाया जाता है और मुख्य उद्देश्य इसका ये होता है कि हम अपनी भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करें, भाषा को बढ़ाने का कार्य करें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो जो देश था कई भागों में बटा हुआ था और इसको एक सूत्र में पिरोने का काम बड़ा मुश्किल था और एक सूत्र में पिरोने का कार्य हमारी हिंदी भाषा ने किया और संभवतः इसी को देखते हुए इसकी महत्ता को समझते हुए जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और 14 सितंबर को ये प्रावधान हमारे संविधान में अंगीकृत हुआ और उसी की याद में, उसी की स्मृति में हम हिंदी दिवस आयोजित करते हैं। हिंदी एक बड़ी गौरवशाली भाषा रही है और आज भी पूरे विश्व में इसको बोले जाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, संभवतः तीसरे या चौथे स्थान पर आती है पूरे विश्व में। और केवल हिंदी भारत में ही नहीं, कुछ ऐसे देश हैं बाहर के, मॉरिशस हो गई, फिजी है, सूरीनाम है, जहाँ पे इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, द्वितीय भाषा के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। कई यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हिंदी में अभी भी शोध के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी भाषा कितनी गौरवशाली है और इसका कितना पहुँच। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मंच पर विराजमान अति प्रतिष्ठित अतिथिगण, मेरे सम्मुख बैठे हुए महान हिंदी को, हिंदी और हिंदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हमारे कवि, लेखक और वैचारिक बौद्धिक व्यक्ति और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया बंधु और जो भी हमारे समाचार पत्रों के वो बुआ हैं, वहाँ सिर्फ एक ही शब्द है आंटी। तो हमारी इतनी समृद्ध भाषा है, इतना बड़ा शब्दकोश है इसका और हम लोग जो गांव से दूर हो रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं और तो हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देना होगा। जैसे आप सब लोग तो इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि हमें हिंदी आगे बढ़ानी है, लेकिन इस प्रयास को हम तभी सफल बना पाएंगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, उनके दिल, दिमाग और हृदय में हमें हर तरीके से हिंदी के लिए वैसा ही सम्मान पैदा करना होगा जैसा बाप दादा और हमारे लिए हमारे बच्चे करते हैं। यदि उसी सम्मान को हम लोगों ने सिखाया तो हम इस प्रयास में सफल होंगे। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ देखिए UNO में माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब धोती कुर्ता पहन के हिंदी में उन्होंने भाषण दिया तो भारत की एक अलग छवि बनी, भारत के लोगों के बारे में और हमारी हिंदी भाषा के बारे में लोगों ने बहुत सम्मान का विषय था ये। और ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री अभी भी जब हिंदी में बोलते हैं तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि भाषा, हमारी जो भाषा है वो हमारे कैरियर की बाधा नहीं है, हम किसी भी भाषा से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब किसी से भी बढ़ सकते हैं तो इसीलिए जो हमारी मातृभाषा है उसको मातृभाषा इसीलिए कहा गया है, जैसे हम अपने जीवन में अपनी माँ को इग्नोर करके कोई कार्य नहीं कर सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को हम कभी भी इग्नोर ना करें और उसी के साथ साथ आगे बढ़ें। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।